हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आमे रेगुलर हाई स्कूल टीचर एग्जाम पई पेडागोजी एंड इवालुएशन रो आउ गोटे वेस्ट को डिस्कस करबा। तो एबे चलंतु क्विकली आमे देखिबा कोन रहिची क्वेश्चंस। तो प्रथम क्वेश्चन रहिची अमंग द फॉलोइंग व्हिच कैनॉट बी द पार्ट ऑफ सीसी। तो कोटा सीसी रो पार्ट नुहे बोली पचारुची बा हेई परिबोनी बोली पचारुची। सीसी माने हमरो कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो एटी ऑप्शंस देखंतु क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, असाइनमेंट्स, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो एटी करेक्ट आंसर जो माने भी चूज करुछंती ऑप्शन सी से माने करेक्ट। तो एटी हमरो मेन होची पेरेंट टीचर मीटिंग जो रहिची एटी जोटा की बाकी सब छाड़ी की। तो एटा ही रहबो आंसर, काहे कि ना बाकी सब गुडा का होची पार्ट रहबो बिकॉज सीसी रे उभय स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक आस्पेक्ट्स को कंसीडर करा जाए। तो तेणुकर कि सब गुडा बाकी जहाँ रही से गुडा होची से कवर होची, बट पेरेंट टीचर जो मीटिंग सेटा सीसी रो पार्ट में। तो तेणुकर कि सी रहूची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, रैंकिंग द स्टूडेंट्स। तो एठी करेक्ट आंसर रहबो कोन ऑप्शन डी, रैंकिंग, बिकॉज एटा होची हमरो एंड रे करा जइबो जोडा कि हमें सबमिटिव कहबा सबमिटिव असेसमेंट रे जइबो। बट एटी फॉर्मेटिव जेहेतु हमको पचारी छी सुइटेबल नु हे, तो तणु करी कि करेक्ट आंसर रहबो रैंकिंग द स्टूडेंट्स। तो तणु करी कि डी जाउ छी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आफ्टर प्रिपेयरिंग ए टेस्ट इफ ए टीचर रिपीटेडली एडमिनिस्टर्स इट ऑन द चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ग्रुप इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर्स ही इज लुकिंग फॉर द टेस्ट। तो एठी से कहूची गोटे टेस्ट को तैयारी कला परे जदि टीचर ताकु सेम एज ग्रुप रो पिला मानकु बारंबार दउचंती तापरे कोन पाई ना चेक करिया पाई टेस्ट स्कोर रो कंसिस्टेंसी को। तो एठी से टेस्ट रो कोन चेक कर चंती बा कहा को से देखु चंती, एठी ऑप्शंस अछि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, यूटिलिटी। तो करेक्ट आंसर कोन रहबो जो माने भी चूज करु चंती ऑप्शन बी, रिलायबिलिटी, बिकॉज एठी कंसिस्टेंसी देखु चंती टेस्ट स्कोर रो। तो तेनु करी के टेस्ट रो एठी रिलायबिलिटी से चेक करु चंती, सो एठी बी रहूची करेक्ट। द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इज टू लेवल चिल्ड्रेन आर स्लो एंड गिफ्टेड लर्नर, टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम एरियाज, टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन हु नीड रिमेडिएशन, टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू व्हिच वी हैव बीन सक्सेसफुल इन इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर ए प्रोडक्टिव लाइफ। तो ये से कह इवैल्यूएशन रो उद्देश्य कौटा, तो ये कौटा करेक्ट आंसर रहबो तो जो मैंने भी चूज कर डी। तो ये फीडबैक प्रोवाइड करवा on the extent to which we have been successful in imparting education for a productive life, ta seita hochi main purpose rahibo evaluation no, baki sab gula ko ethi negative rahichi, to tenu kari ke d rahuchi correct। next rahichi assessment is a good strategy to level and categorize students, should actively promote competitive spirit among students, should generate tension and stress to ensure learning, इज ए वे टू इम्प्रूव लर्निंग। तो ये करेक्ट आंसर कौटा रहा असेसमेंटा कौन, तो ये करेक्ट आंसर जो मैंने भी चूज कर डी। तो यहाँ हूँ गोटे वे टू इम्प्रूव लर्निंग। तो असेसमेंट रही आम जो मेन रही तार अर्थ जदि आम कह एक्जाक्टली तार मिनिंग कौन, तो यहाँ फिडबैक ओरिएंटेड आम लर्निंग को सब इम्प्रूव कर, सो तेणु करके डी रोच करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। रिलायबिलिटी टेस्ट रो जो टेस्ट रो गोटे आमर गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स होची रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को चेक करिबा पई जो मेथड्स रहिचे ताकु एस्टिमेट करिबा पई कोटा नुहे कहूची। तो एडी ऑप्शंस देखंतु, प्रथम रहिचे टेस्ट रिटेस्ट, अल्टरनेट बा पैरेलल फॉर्म, तापर अच्छी स्प्लिट हाफ, तापर टेस्टिंग कंडीशन मेथड। तो कोटा नुहे गोटे मेथड पचारी हमको। तो ये देखो करेक्ट आंसर कोटा रहबो जो मैंने भी चूज कर डी से मैंने भी बिल्कुल करेक्ट, बिकॉज ये डीटा नुहे बाकी सब गुड़ाक टेस्ट रिटेस्ट है, अल्टरनेट बा पैरेलल फॉर्म है, स्प्लिट हाफ मेथड, एगुड़ा सब रिलायबिलिटी को चेक करने एगुड़ा हूँ मेथड्स, बट टेस्टिंग कंडीशन मेथड किसी ना। तो तेणु करके डी रोच करेक्ट। Which type of questions should be asked to students in the examination? Examination ने पिला मनों को केमी दिया प्रश्नों पचरीबा दरकार। Memory and understanding based, objective and subjective, understanding and application based, only objective। तो ये ठीक करेक्ट आंसर कौन है बाग? तो करेक्ट आंसर हो ची understanding
आउ एप्लीकेशन बेस्ड ए टाइप रो क्वेश्चंस पिला मानको एग्जाम रे पचारा जेबा दरकार तो तणो करी कि सी रहउची करेक्ट आंसर ता पर देखंतु समेटिव असेसमेंट को आल्सो हमें कोन कहबा असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट आज लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग ना नॉन तो करेक्ट आंसर रहबा ठी जो माने भी बाचु चंदी ए असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमरो असेसमेंट फॉर लर्निंग होची फॉर्मेटिव असेसमेंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग होची समेटिव असेसमेंट तो तण करी की करेक्ट आंसर एठे होची ऑप्शन ए As per the recommendation of NCF 2005 major shift in education is from teacher centric to तो एठी करेक्ट आंसर कौन रहबो देखंतु लर्नर अछि पेरेंट सेंट्रिक सब्जेक्ट सेंट्रिक तापर बुक सेंट्रिक तो करेक्ट आंसर रहबो ऑप्शन एठी ए लर्नर सेंट्रिक तो शिफ्ट हेछि जो मेजर शिफ्ट टीचर सेंटर्ड रु लर्नर सेंटर को तो तणु करिके करेक्ट आंसर हे जबो ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू ब्रूनर व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग प्लेज ए क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग क्रिएटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल चाइल्ड लर्निंग एक्टिव लर्निंग तापर सर्विस लर्निंग डिस्कवरी लर्निंग तो ब्रूनर को ना जेहेतु आछि एठी आपण माने आंसर जानि सारिबेनी ऑप्शन डी जो माने भी चूज करछन डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर को डिस्कवरी लर्निंग रो थ्योरी मेन रहिछे थ्योरी भी आपण माने पढिबे बिकॉज लर्निंग थ्योरी को बेस करिके क्वेश्चन रहउछि लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटेड बाय एटा किए कहिछन्ते तो एठी देखंथ मानको भितरु के तो करेक्ट आंसर जो माने बाचछन्ते ए उडोर्थ तो एठी ऑप्शन ए रहउछि करेक्ट नेक्स्ट Which learning curve depicts rapid initial improvement in learning and slows down with time? तो से कुछ को type रो learning curve रे प्रथमे rapid initial improvement हबो प्रथमे बढ़ेबो पूरा rapidly तापरे धीरे धीरे gradually slow है जबो time बढ़ेबा सही तो को type रो learning curve concave convex तापरे नॉन तो एठी जो माने भी चूज करछन्ती करेक्ट आंसर बी कन्वेक्स रे तो कन्वेक्स रे प्रथमे कोन करिवो ना रैपिडली बढ़िवो तापरे ग्रेजुअली स्लो डाउन हि जबो बट कन्केव रे तर जस्ट अपोजिट प्रथमे हमरो सेतिर होची स्लो इनिशियल इंप्रूवमेंट तापरे ग्रेजुअली टाइम बढ़िवो से तो धीरे धीरे बढ़िवो तो तणु करी कि इनिशियली इंप्रूवमेंट स्लो रहिवो कन्केव रे तो बट तार रिवर्स होची कन्वेक्स रे तो एठी आंसर हि जाउची बी नेक्स्ट Lev Vygotsky's के सोशल कल्चर प्रोस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इंपोर्टेंस ऑफ डास इन द लर्निंग प्रोसेस तो Vygotsky के जो सोशियो कल्चरल प्रोस्पेक्टिव रही लर्निंग रो तो से कहार इंपोर्टेंस रही लर्निंग प्रोसेस रे बोली से एठी पचारुची एट्रिब्यूशन मोटिवेशन इक्विलिब्रेशन ना कल्चरल टूल्स तो करेक्ट आंसर जो मैंने चूज करछन्ते डी कल्चरल टूल्स बिकॉज लैंग्वेज सोसाइटी आउ कल्चर तीनटा को बेस करके तांकर थ्योरी रही तो तेणु करके डी रहिबो एठी करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस इन द सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी ऑफ बांदुरा तो कोटा गोटे प्रोसेस रिफ्लेक्शन रिटेंशन रिपीटेशन ना रिकैपिटुलेशन तो जो माने चूज करूछंती एठी ऑप्शन बी तो एठी हमर ऑप्शन बी रहूची रिटेंशन एठी होची गोटे प्रोसेस ता भितरे रही जीवो तो एठी हमर अटेंशन रिटेंशन तापरे प्रोडक्शन तापरे होची रिइन्फोर्समेंट तो एठी हमर जोटा कि चारटा प्रोसेस तो ता भितरु हमर अटेंशन परे रिटेंशन आसीबो ना कि एठी रिफ्लेक्शन रिपिटेशन रिकैपिटुलेशन एगुडा एठी रहिबनी तो तणु करी कि करेक्ट आंसर एठी हे जीवो बी नेक्स्ट क्वेश्चन रहिची इन द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजेट एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस रिस्पोंस एसोसिएशन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्कीमास नेक्स्ट रहिची साइकोलॉजिकल टूल्स तो एठी करेक्ट आंसर स्कीमास रहिबो तो ऑप्शन सी पियाजेट कर देखुचंती रहिची क्वेश्चन तो तणु करिकी ऑप्शन सी रहूची करेक्ट व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग इट मेक्स द बिहेवियर गोल डायरेक्टेड इट मेक्स द बिहेवियर सिस्टमेटिक इट एक्टिवेट्स द लर्नर्स बिहेवियर ऑल ऑफ दिस तो करेक्ट आंसर रहिबो डी सब गुडाक रहिबो तो तणु करिकी डी रहूची करेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंडिकेट्स लर्निंग प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस नेक्स्ट अच्छी अलग द एवो तो एठी करेक्ट आंसर रहबो एठी हमर ऑप्शन डी बिकॉज़ एठी सब गुडा को रहउची करेक्ट आंसर नेक्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग एलेशन सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड दिस इज बेस्ड ऑन व्हिच लॉ ऑफ लर्निंग इफेक्ट प्रैक्टिस रेडीनेस ना यूज़
तो करेक्ट आंसर रहबो एठी रेडीनेस रेडीनेस को बेस करिकी क्वेश्चंस था तो तणो करिकी सी रहूची करेक्ट. व्हाट डज द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो रहिची अफेक्ट द लर्नर्स तो एठी कोटा रो अफेक्ट करबो तो करेक्ट आंसर रहूची थॉट्स बिकॉज एठी हमरो से कोची कॉग्निटिव डोमेन मेन बचरिचे तो तणो करिकी थॉट्स रहबो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट In Roger's notion, in mature adjusted people, there will be gaps between the organism and the cell. Organism or cell भीतरे से कुछ ही Roger को जो रही ची अनुजाई humanistic approach जो theory रही ची learning रो तो से तेरे mature जो people थांती तो से माने there will be कौन थाए तंग भीतरे incongruence congruence and ideal self none तो ये ठीक correct answer रहे बक congruence तो congruence थाए माने तंग भीतरे जोड़ा की तांकर जोटा जहाँ से एक्सपेक्ट करू थांती किछि मात्रा रे सेटा मैच करे थाए जेतु मैच्योर्ड से माने मैच्योर्ड एडजस्टेड पीपल बोली आमे कहू छंती तो जहाँ से माने लाइफ रे एक्सपेक्ट करू थांती तो तांकर किछि मात्रा रे सेगुडा तांको मिली थाए तो तणु करी कि कॉन्ग्रुएंस थाए ऑर्गेनिज्म आउ सेल भितरे कॉन्ग्रुएंस थाए सेती इनकॉन्ग्रुएंस आसीबनी जो जगह रे जणे जहां चाहूची बट से सेती किछि भी हेई परनी बा जहां जणे विस करची इच्छा करची बट सेटा से पाई परनी तो जो जगह रे धर सपोज आमे कहबा जणे जहां जणे चाहूची डॉक्टर हवा लागी बट से सेटा सेती की दूर से पहुंची पारुनी सेई जगह रे आमे कहबा मैच करूनी तार भितर से जहां एक्सपेक्ट करूची आ तार रियलिटी भितरे सेटा मैच करूनी तो सेठी इनकॉन्ग्रुएंस आसी जबो बट मैच्योर जोठी एडजस्टेड पीपल सेठी तांको भितर ऑर्गेनिज्म और सेल भितर आसी जबो कॉन्ग्रुएंस तो तणु करी की सी रहूची एठी करेक्ट आंसर. तो एठी 20टा क्वेश्चन आमे कवर करले तो आशा करची वीडियो टी आपन मानन को पई हेल्पफुल होइतिबो वीडियोस पसंद आसले वीडियो को लाइक करथिबे एंड शेयर नेति भाबरे करथिबे सो थैंक यू फॉर वाचिंग.